गुरुग्राम समेत हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर एक अपडेट आप तक पहुंचे सबसे पहले। नमस्कार, आप देख रहे हैं वी न्यूज, मैं हूं आपके साथ संध्या बिष्ट। पलवल के हतीन क्षेत्र में प्रेम विवाह का एक बड़ा ही अनोखा मामला सामने आया है, जहां एक 67 वर्षीय बुजुर्ग ने 19 वर्षीय लड़की से निकाह कर लिया। इतना ही नहीं, दोनों ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट पहुंचकर अपने पति पत्नी होने की बात कहकर और परिजनों से जान से खतरा बताते हुए सुरक्षा की मांग की है। हैरत की बात तो यह है कि 67 वर्षीय बुजुर्ग के 7 बच्चे हैं और सभी शादीशुदा हैं, जबकि लड़की भी पहले से शादीशुदा थी। रिपोर्ट देखिए। इस मामले पर पंजाब हाईकोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पलवल जिला पुलिस कप्तान दीपक गहलावत को आदेश जारी किया है कि एक टीम का गठन करे जिसमें महिला पुलिसकर्मी भी शामिल हो, जो लड़की की सुरक्षा करे और बुजुर्ग व्यक्ति के बारे में पूरी जांच पड़ताल करे। पुलिस उप अधीक्षक रतनदीप बाली ने इस बाबत पूरी जानकारी देते हुए बताया कि हतीन के गांव हुजपुरी निवासी 67 वर्षीय बुजुर्ग व्यक्ति ने नूह जिले के एक गांव की 19 वर्षीय लड़की से शादी की है और पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि हमें लड़की के परिजनों से जान का खतरा है। हमें हाईकोर्ट से आदेश प्राप्त हुआ है कि मामले की जाँच की जाए और दोनों को सुरक्षा प्रदान की जाए, साथ ही यह भी पता लगाया जाए कि किन परिस्थितियों में यह शादी हुई है। डीएसपी रतनदीप बाली ने बताया कि जो बुजुर्ग और लड़की है वो दोनों पहले से शादीशुदा हैं और बुजुर्ग के 7 बच्चे हैं जो सभी शादीशुदा हैं और उसके घरवाले की 4 साल पहले मौत हो गई थी, जबकि प्रेम विवाह करने वाली लड़की को पहली शादी से कोई बच्चा नहीं हुआ है। रतनदीप ने बताया कि लड़की के परिजनों का गाँव में जमीनी विवाद था और प्रेम विवाह करने वाला बुजुर्ग व्यक्ति इनकी मदद करने जाता था, जहां से दोनों का संपर्क हुआ। भोजपुरी गांव में एक व्यक्ति है ईसा करके, उसने शादी की है, बीबीपुर गांव की लड़की है, नूह में पड़ता है बीबीपुर गांव। लड़की की एज जो है लगभग 19 साल है और जो व्यक्ति है उसकी एज है लगभग 67 है। तो इन्होंने हाईकोर्ट में सुरक्षा लगाई है कि हमें जो है इसके चाचे ताऊ से लड़की के उनसे जो है खतरा बना हुआ है। तो इससे माननीय हाईकोर्ट से आदेश प्राप्त हुए हैं भाई इनकी जो शादी की जाँच की जाए, इनको सुरक्षा प्रदान की जाए और किस परिस्थितियों में शादी हुई है, क्योंकि ये इसका काफ़ी डिफरेंस है, वो जाँच करके और जो है हाईकोर्ट में इनका जवाब दाखिल करते हैं। इसमें माननीय हाईकोर्ट के आदेश हैं कि वो लड़की के जो है इलाका मजिस्ट्रेट के सामने जांच कराई जाए, टीम गठित की जाए और फिर क्या निकल के आता है। डीएसपी रतनदीप बाली ने बताया कि जो भी माननीय अदालत द्वारा इस बाबत आदेश जारी किए हुए हैं, पुलिस द्वारा उसी आधार पर कार्रवाई की जा रही है, जिसका जवाब तय समय पर अदालत में दाखिल कर दिया जाएगा। पलवल से वी न्यूज के लिए संजय राठौर की रिपोर्ट।